हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपक पंत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल गुरुजी उत्तराखंडी। हम यहां पर उत्तराखंड से संबंधित वीडियोस अपलोड करते हैं और आप लोगों को उत्तराखंड में आने वाली सरकारी नौकरियों की तैयारी कराते रहते हैं। तो आज का जो यह वीडियो है, यह एक करंट अफेयर वीडियो है डिटेल में, जिसमें मैं दीपक पंत आज आपको NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा 2017 का आंकड़े जारी किए हैं 2019 में, एक साल डिले। तो आज मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगा जो अभी दो तीन दिन पहले ही आपके डाटा आए हुए हैं। इसमें सबसे पहले मैं आपको राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के बारे में बताऊंगा, उसके बाद उत्तराखंड में क्या है, उसके बाद पूरे भारतवर्ष के बारे में। तो अगर सबसे पहले हम जाने तो जो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो है, इसकी स्थापना केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत वर्ष 1986 में की गई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका जो उद्देश्य है, इसके गठन का, इसकी स्थापना का जो उद्देश्य है, वह है भारतीय पुलिस में कानून व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए पुलिस तंत्र को सूचना प्रौद्योगिकी समाधान यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन और आपराधिक गुप्त सूचनाएं प्रदान करके समर्थ बनाना है। अब यह जो है, इसका मुख्यालय दिल्ली में, यह एक नोडल एजेंसी है। जितने भी आपके अपराध, दुर्घटना, आत्महत्या, जेल, जितने भी आपके नीति संबंधी मामले हैं, रिसर्च के लिए के नोडल एजेंसी है। और वर्ष 2000, आपको मैं बता दूं, वर्ष 2016 और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा डिजिटल इंडिया अवार्ड से भी इसे सम्मानित किया जा चुका है। और मैं आपको सामने बताता हूँ, ये बहुत बढ़िया फैक्ट है, भारतीय पुलिस बलों का कंप्यूटरीकरण वर्ष 1971 में शुरू हो गया है। अब जो इनने आंकड़े जारी किए हैं अभी दो दिन पहले, तो 2017 के आंकड़े जारी किए हैं एक साल के बाद, जबकि 2017 के आंकड़े लास्ट ईयर 2018 में आ जाने चाहिए थे। तो उत्तराखंड में महिलाओं और बच्चों के साथ जो अपराध हैं वो 22% बढ़े हैं। और मैं आपको बता दूं, ये हमारे लिए बहुत बुरी खबर है कि देश के 10 हिमालयी राज्यों में बाल और महिला अपराध में हम पहले स्थान पर हैं। तो 10 क्यों, पहले 11 थे, 10 कौन सा हटा, जो जम्मू कश्मीर है वो हिमालयी राज्य बच चुका है, आप सभी को पता होगा। तो अब 10 हिमालयी राज्य बचे हैं, उसमें बाल और महिला अपराध में उत्तराखंड वाले सबसे पहले स्थान पर हैं। 2016 में हमारे यहाँ पे 1588 जो केस है वो दर्ज हुए थे और 2017 में 1944 केस दर्ज हुए। और यहाँ पे दोस्तों, जो ये सारे आंकड़े हैं, ये आंकड़े केवल दर्ज आंकड़े हैं, जो पुलिस में FIR लिखी जाती है, पुलिस थाने में रिपोर्ट की जाती है, पुलिस वालों को पता लगता है। बहुत सारे ऐसे भी अपराध होते हैं जिनके बारे में पुलिस थाने तक कोई पहुंच ही नहीं होती है, वो वैसे ही केस दब जाते हैं। आपको इस बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता होगा। और हम बता दें कि जैसे हम बोलते हैं कि उत्तराखंड टूरिज्म में बहुत बढ़िया है, लेकिन बिल्कुल गलत, यहाँ पर विदेशियों के साथ अपराध में भी हम पहले स्थान पर हैं। पूरे देश में तो महाराष्ट्र है, विदेशियों के साथ अपराध में भी उत्तराखंड वाले पहले स्थान पर। हाँ, एक खुशखबरी है कि हत्या के मामलों में 2016 के बाद 7% की कमी आई है, लेकिन मैं आपको बता दूं, आत्महत्या के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। और ये जो सारी रिपोर्ट्स हैं, ये मैंने न्यूज़पेपर में अपने इंटरनेट रिसर्च के आधार पर NCRB की जो आंकड़े वाली रिपोर्ट आपकी वेबसाइट है वहां से लिए हैं। तो अशोक कुमार डायरेक्टर जनरल हैं उत्तराखंड के लॉ एंड ऑर्डर के, तो उन्होंने भी यह जानकारी साझा की है। अब मैं आपको पूरे भारतवर्ष के लिए बता दूं, भारतवर्ष के लिए देखिए क्या है। IPC इंडियन पेनल कोड के तहत देश में कुल, आपको देखिए, 30,62,579 केस दर्ज हुए, जबकि 2016 में यह कम था, 29 लाख के करीब था। यूपी सबसे अधिक है, 10.1% के साथ, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे, मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पे, केरल चौथे नंबर पे और दिल्ली पांचवें नंबर पे। अब देखिए यहाँ पे जो भ्रष्टाचार में, ये आपको सीरीज में दिए हैं, भ्रष्टाचार में महाराष्ट्र पहले नंबर पे, उड़ीसा दूसरे नंबर पे, उसके बाद राजस्थान तीसरे नंबर पे, कर्नाटक चौथे नंबर पे, तमिलनाडु पांचवें नंबर पे। साइबर अपराध में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, तेलंगाना। आर्थिक अपराध में राजस्थान पहले नंबर पे, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल। ऐसी अनुसूचित जनजाति SC के खिलाफ उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा। हत्या के मामलों में उत्तर प्रदेश नंबर वन है और अपहरण के मामलों में भी उत्तर प्रदेश नंबर वन है। तो दोस्तों, यह जो आज के जो आंकड़े थे, हो सकता है इसमें से प्रश्न बन जाए। देखिए, जो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो है, चाहे 2017 के आंकड़े ना पूछें, पूछा जा सकता है कि कौन सा जो राज्य सबसे ऊपर है, तो आप बिल्कुल निसंकोच आप उत्तर प्रदेश पे लगाएं तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, नहीं तो आप थोड़ा बहुत इनके बारे में फैक्ट भी पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का यह करंट अवेयर वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मुझे आशा है कि आप उत्तराखंड में रहकर सरकारी नौकरी की तैयारी अवश्य कर रहे होंगे। दोस्तों,
मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।